हेलो एवरीवन आई एम तृप्ति वेलकम टू एनपीसी पी द चैनल वैर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास टेंथ इन शॉर्ट वी कैन से इट इज अ वन शॉर्ट वीडियो ओके इस वीडियो में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के ओके सो लेट इज स्टार्ट विथ द इलेक्ट्रिसिटी ओके एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इज कम फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्जेस ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टडी करना होगा देन आपको क्लियर होगा इलेक्ट्रिसिटी सो वॉट इज इलेक्ट्रिक चार्ज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज तो बेसिकली हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने uh, आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है ओके सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड एंट्रेंसिंग प्रॉपर्टी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और वी कैन से अ सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस की किसी भी मटेरियल की ये क्या है इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है ओके विच क्रिएट्स द फोर्स ये फोर्स क्रिएट करती है विच क्रिएट्स द फोर्स और ये जो फोर्सेस होते हैं ये आपके अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं एंड रिपल्सिव भी हो सकते हैं दैट फोर्स विल भी एट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव अब अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव ये फोर्स किस तरह से होते हैं तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली कम्स फ्रॉम एटम एटम का जो हमने कंस्ट्रक्शन स्टडी किया है एटम का जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं एटम क्या होता है एटम एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसके न्यूक्लियस में ओके okay, जिसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर ओके इंटर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटोन एज वेल एज न्यूट्रॉन ओके प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है यह हमने सॉरी न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवोल्विंग अराउंड द ऑर्बिट आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है एंड इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज ये हमने जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में स्टडी किया है ओके okay. सो बेसिकली चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस आर आफ टू टाइप्स इट इज नेगेटिव ओके इट इज नेगेटिव नेगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं एंड एज वेल एज पॉजिटिव ओके सो पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटोन सो वी हैव टू इलेक्ट्रिक चार्जेस नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एंड ये टू चार्जेस जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड उनके वैल्यू तो सेम होती है बट नेचर डिफरेंट होता है ओके okay, दोनों की वैल्यूज की बात करें सो वैल्यूज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा नेगेटिव 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन ये जो वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट है फिक्स है ओके एंड फॉर प्रोटोन इट इज इक्वर्स टू पॉजिटिव वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन कुलम ओके एंड हियर कूलम सी कुलम इज द यूनिट ओके ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज तो चार्ज की यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम और इसे कैपिटल सी से इसका जो सिंबल है कैपिटल सी है से सी से डिनोट करते हैं ओके एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो सेम होते हैं 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन एंड अगेन 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन ओके बट डिफरेंट नेचर के कारण यहाँ माइनस माइनस साइन है एंड हियर इट इज पॉजिटिव साइन ओके इसे आप प्राइमरी चार्जेस भी बोलते हैं ओके प्राइमरी वैल्यू ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ये इंफॉर्मेशन सफिशेंट है अब हम इलेक्ट्रिक करंट पर आते हैं किस टॉपिक पर आते हैं इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या है जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का वो यहां से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट ओके ये जो हमने चीजें स्टडी की है अभी तक ये तो सारी बेसिक्स है चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इसे आई कैपिटल आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी ओके इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम ओके मीन्स एक पर यूनिट एक फिक्स टाइम में चार्जेस की जो वैल्यू थ्रो करती है पास थ्रू करती है कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं कंडक्टर में इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट ओके या फिर आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ पासिंग थ्रू द करंट इन अ कंडक्टर ओके इस तरह से भी आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई एंड इट इज इक्वल टू क्यू बाय टी हियर क्यू इज द चार्ज एंड टी फॉर टाइम अब यूनिट की बात करें so यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की क्यू की यूनिट क्या होती है कुलम एंड टी की सेकेंड ओके okay. और कूलम पर सेकेंड को आप एम्पियर भी कहते हैं तो एम्पियर एक फिजिसिस्ट है उनके ही नेम पर इसका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट रखा हुआ है एम्पियर ओके okay. तो ये जो बेसिक सी थिंग्स है दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट अब इसी पर बेस्ड एक छोटा सा टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो सिंपली अगर आप देखें तो पोटेंशियल फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइन नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है मीन्स अगर आपको टू पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी ओके अब पॉइंट ए पर आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा मीन्स इसके अराउंड एक ऐसा फील्ड क्रिएट होगा जिसमें अगर आप किसी दूसरे पार्टिकल को लाते हैं तो ये फोर्स क्रिएट करेगा ओके okay, मीन्स अगर आप पॉइंट uh, बी पर एक छोटा सा सिंपल सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें ओके क्यू नॉट रखें ये सारी चीज़ें हमने क्लास uh, ट्वेल्थ के चैप्टर फर्स्ट में स्टडी है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें पॉइंट बी पर ओके यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसलिए लिया कि इसमें जो मैग्नीट्यूड है या इसका जो वैल्यू uh, है ओके okay, uh, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं चाहिए ओके सिंपली कहें कि इसका जो सराउंडिंग्स है वो आपको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि चार्जेस हैं तो चार्जेस फील्ड क्रिएट करेंगे तो हमने छोटा वाला जो पार्टिकल या छोटा वाला चार्ज इसलिए लिया है कि ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करे ओके okay, इनका इसका इन्फ्लुएंस इस पॉजिटिव चार्ज पर नहीं हो तो क्या करते हैं हम इस क्यू नोट को इस पॉइंट पर लाना है आपको इस क्यू नोट चार्ज को इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपको पॉइंट बी से उठा के पॉइंट ए पर लाना है तो सिंपली अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द डिफरेंस ओके और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ओके बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दैट पॉइंट ओके मीन्स अगर आप एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर ये जो आपका यूनिट चार्ज है इसको आपको लाना है ओके okay. और किसकी हेल्प से एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से ओके एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से इस चार्ज को उठा के इस प्लेस पर लाना है और जितना आप इसको लाने में वर्क करेंगे ओके बाय द एक्सटर्नल एजेंट वो वर्क बाय चार्ज ओके मीन्स पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन या फिर एक फार्मूला की बात करें सो so, डब्ल्यू ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ये बी से ए तक आया है एंड बाय क्यू नोट होगा ओके okay, ये फार्मूला है पोटेंशियल का ओके okay, तो ये अगर आपने पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी निकाला सो फाइनल माइनस इनिशियल तो इससे आप वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है बट आपको अगर एक पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए मीन्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट तो ये जो आपका क्यू नोट चार्ज है उसको आपको इन्फिनिटी पर ले जाना पड़ेगा तब आपकी जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो क्या होगी अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ओके अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझाया था अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा कि आपके पास पॉइंट ए है ओके okay, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज आपने जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों नोट लिया है वो आपने इन्फिनी पर लिया है ओके okay, ये क्यों लेते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है ओके okay, वो जीरो अज्यूम करते हैं ओके okay, ये अज्यूमिंग है इन्फिनी पर पोटेंशियल जीरो है तो इन्फिनी पर अगर पोटेंशियल मीन्स एक की वैल्यू पॉइंट बी पर अगर पोटेंशियल जीरो हो जाए तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं ओके okay, इसीलिए आपने क्या किया इंफिनिटी पर आपने एक क्यू uh, नोट चार्ज को रख दिया ओके okay, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन अब क्या हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ओके मीन्स वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वो ऑन यूनिट चार्ज ओके क्यू नोट सो v इज इक्वल टू w बाई q ओके क्यू नोट सो ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या हुई फॉर्मूला डेफिनेशन हुई और V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है तो W का यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा W का यूनिट क्या होता है जूल मिस वर्क डन का यूनिट जूल पर उलम ओके इससे आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं वोल्ट ओके okay. V की जो यूनिट होती है ये क्या होती है वोल्ट और इट इज स्केलर क्वांटिटी ये क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी है एक्चुअली हायर क्लास में जब आप स्टडी करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये टेंसर क्वांटिटी क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट में एक जो डीपली थिंकिंग नॉलेज देती हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसकी डायरेक्शन कन्वेंशनल होगी में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स होती है ओके okay? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है अब हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं दैट इज द ओम स्लो ओके नेक्स्ट पॉइंट विल बी ओम्स स्लो के अकॉर्डिंग सिंपली अगर आप एक कंडक्टर लें और उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस देखें ओके okay, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाएं, तो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो कनेक्शन है जो रिलेशन है वो ओम्स ने दिया ओके okay, वो वो किस तरह से दिया यहां पर देखते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रूइंग द कंडक्टर ओके मीन्स पोटेंशियल वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के ओके okay. मीन्स अगर आपने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है और इस पर पोटेंशियल सपोज मान लेते हैं टेन वोल्ट है ओके okay. इसके फर्स्ट एंड पे सेकेंड हैंड पे जीरो वोल्ट है और इसमें वन एम्पीयर का करंट है ओके okay, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस 10 वोल्ट को इंक्रीज करेंगे अगर यहाँ पर 20 वोल्ट कर देंगे तो करंट इंक्रीज होगा ओके okay, ये ओम स्लो का जो प्रैक्टिकल है वो भी हम आ, प्रैक्टिकल लैब में करते हैं तो उसके थ्रू भी करंट और वोल्टेज ये दोनों क्या हैं एक सेम रेशो में इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं ओके मीन्स अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट विल बी इंक्रीजेस एंड वोल्टेज को अगर डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा और सेम रेशो में अगर यहाँ टेन वोल्ट एंड वन एम्पियर है तो अगर आपको डबल करना है ओके इंक्रीज करेंगे तो ट्वेंटी वोल्ट अगर होगा तो हंड्रेड एंड वन परसेंट ये भी टू टाइम्स मोर होगा मीन्स वन का हो जाएगा टू एम्पियर ओके सो ये आपका ओम स्लो का जो बेसिक स्ट्रक्चर वो है और एक और इम्पोर्टेंट थिंग है ओम स्लो में कि ये जो पोटेंशियल और करंट है इनका जो डिपेंडेंसी है ये टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है अगर आप एक रूम में एक पर्टिकुलर रूम में ये सारी जो प्रैक्टिकल्स हैं वो करते हैं तो यहाँ ओम स्लो फॉलो हो फॉलो होगा बट अगर आप अ, अदर टेम्परेचर में अ, ये चीजें करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में ये फॉलो नहीं होता है मीन्स आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है अदर फिजिकल कंडीशंस जैसे प्रेशर है ह्यूमिडिटी है ओके इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा तो सभी बातों में आपको ओम्स लो में ये कंडीशंस दी गई है ओके अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आएगा और दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक्चुअली रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल ओके रजिस्टेंस जो है यहां से रजिस्टेंस की वैल्यू आपको ऐसा लगेगा कि V बाई आई है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये है ऑन स्लो के अकॉर्डिंग बट रेजिस्टेंस जो है वो V एंड I पर डिपेंड नहीं करता इट इज डिपेंड ऑन द मटीरियल ओके ये डिपेंड करता है मटीरियल पर ओके रेजिस्टेंस एक्चुअली एक कंडक्टर की एक मटीरियल की प्रॉपर्टी होती, होती है इंटरनल प्रॉपर्टी होती है विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को वो रोकता है ओके okay. एंड रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम ओके यहाँ से वी वोल्ट हो जाएगा आई एम्पियर सो वोल्ट पर एम्पियर को ही बोलते हैं ओम और इसे डिनोट करते हैं इस सिम्बॉल के थ्रू ओके सो सिंपल ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पे कंडक्टर पे। ओके okay, मटीरियल पर ओके okay, जो भी आप कंडक्टर ले रहे हैं उसके मटीरियल पर डिपेंड करता है स्लोप की बात करें अगर आप इस तरह से ग्राफ प्लॉट करें तो V और I वर्सेस ओके वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस ग्राफ प्लॉट करें तो आपके पास अगर I1 की वैल्यू पर वैल, V के लिए वोल्टेज के लिए V1 वैल्यू है तो ये जो इंक्रीज करेगा ये सेम रेशो में करेगा मैंने बोला ओके okay, यहाँ पर वन एम्पियर है और यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू है टेन एम्पियर टेन वोल्ट है सॉरी तो यहाँ टेन वोल्ट और वन एम्पियर हो जाएगा अगर यहाँ टू की बात करें टू एम्पियर आई टू की बात करें तो यहाँ ट्वेंटी हो जाएगा ओके तो इस तरह से आपको ये ग्राफ मिला और ये जो ग्राफ है V वर्सेस I का V वर्सेस I का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है आपको ओके ये स्ट्रेट लाइन मिलता है अब ये स्ट्रेट लाइन या स्लोप या फिर एंगल बोल सकते हैं V और I के बीच जैसे ये इस तरह से जो एंगल स्लोप का मतलब क्या होता है एंगल ओके okay, ये थीटा आपको जो मिला है ये किस पर डिपेंड करता है तो एक्चुअली टेन थीटा जो ग्राफ प्लॉट करके हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो वो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है वाई वन मीन्स जो वैल्यूज रहेंगे आपकी वाई पे वाई एक्सिस पे वाई टू माइनस वाई वन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा तो y के लिए जो वैल्यूज है ये इस तरह से अगर आप ये वाला जो पॉइंट है ए बी सी कंसिडर करें तो इसके लिए ये y2 टू वैल्यू हो गई ओके सेकेंड फाइनल हुआ ये इनिशियल ओके y1 हुआ एंड दिस इज i2 एंड i1 तो यहां v बाय आई ओके okay, ये वाई जो ग्राफ है ये वी को शो कर रहा है एंड दिस इज एक्स जो शो कर रहा है वो आई को तो टेन थीटा या फिर स्लोप जो है वो किसके इक्वल है वी बाई आई के और वी बाय आई किसके इक्वल है आर के तो स्लोप जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब कि ये जो आ, स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है आपकी रजिस्टेंस की वैल्यू की अगर आप वोल्टेज और टेम्परेचर सॉरी वोल्टेज एंड करंट को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस क्या रहेगा कांस्टेंट तो इसीलिए ये जो टर्म है इस V और I फॉर्मूले में इट इज द कांस्टेंट टर्म ओके ये हुआ आपका ग्राफ ग्राफ और ओम स्लो में एक और कंडीशन ये है कि ओम स्लो फॉलो होता है ओनली ओमिक कंडक्टर में ओके okay. जैसे कि जो कंडक्टर्स होते हैं मेनली उनमें फॉलो होता है हम स्लो सेमीकंडक्टर में ये फॉलो नहीं होता है ओके okay, अब हम रेजिस्टेंस को लेकर चलते हैं रेजिस्टेंस के कुछ कॉम्बिनेशन हैं ओके फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरल कॉम्बिनेशन सो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरल कॉम्बिनेशन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके इस पर आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो हम वो फटाफट से देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है तो एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन Uh, में इस तरह से अगर आपके पास रेजिस्टेंस मोर देन टू रेजिस्टेंस होना चाहिए तभी आप कॉम्बिनेशन कर पाएंगे रेजिस्टेंस का ओके आर वन एंड आर टू दीज आर टू रजिस्टर्स ओके ये आपके पास रजिस्टर्स है और ये वन बाई वन एड हुए हैं okay. ओके इस सर्किट में और इस यहाँ पर आपकी एक बैटरी है एक सेल है एक्चुअली uh, इसे सेल कहेंगे क्योंकि सेल का कॉम्बिनेशन होता है बैटरी तो यहां पर आपने सिर्फ एक ही सेल यूज किया है तो आप सेल बोल सकते हैं ओके और लॉट्स ऑफ सेल यूज किए हों तो क्या हो सकता है बैटरी ओके वी वोल्ट की बैटरी यहाँ से अप्लाई सप्लाई किया नाउ यहां पर ये जो टर्मिनल है दैट इज द हायर टर्मिनल या हायर पोटेंशियल एंड दिस इज नेगेटिव ओके ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल दिस इज नेगेटिव टर्मिनल तो इसे बोलते हैं आप हायर पोटेंशियल एंड इसे बोलते हैं लोअर पोटेंशियल एंड करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आता है करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी और करंट जो है वो पूरे सर्किट में सेम होगा क्योंकि करंट को डिवाइड करने वाले रास्ते है ही नहीं यहाँ पर ओनली वन पाथ है जिसमें करंट को फ्लो करना है तो इस तरह से करंट फ्लो होगा और वो वापस जाकर टर्मिनल लोअर पोटेंशियल या फिर नेगेटिव टर्मिनल में इंटर हो जाएगा तो हमेशा सर्किट कंप्लीट कब होगा जब आपका करंट जितना करंट हायर पोटेंशियल से चला है मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से जितना पोटेंशियल सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट सप्लाई हुआ है उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में आना चाहिए ओके तभी आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ है तो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा वी इज इक्वस टू आर आई ओके बट यहां पर आपको एक और चीज देखने को मिली है कि करंट जो है वो थ्रू आउट द सर्किट सेम है मीन्स आई की जो वैल्यू है वो सेम है बट वी की वैल्यू क्या सेम है या डिफरेंट है तो वो आपको अभी पता चल जाएगा अगर वी इज इक्वस टू आर आई देखें आप ये फर्स्ट वाले रजिस्टर के लिए बात करें तो इसके लिए आर वन हो जाएगा ओके okay. और सेकेंड के लिए हो जाएगा आर टू तो यहाँ इन कंडीशन में इन दोनों इक्वेशंस में आर वन है यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकेंड इक्वेशन में आर टू है तो ऑब्वियसली वी की जो वैल्यू है वो तो सेब हो नहीं सकती सो so इससे हम V1 वन कंसिडर करते हैं इससे V2 टू कंसिडर करते हैं इसका मतलब कि पोटेंशियल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है डिफरेंट होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन ओके मीन्स पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंट तो यहाँ दो टू थिंग्स जो है इंपॉर्टेंट है करंट विल बी सेम एंड पोटेंशियल विल बी डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट है मींस पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा क्योंकि तो जो डिफरेंट है वो डिवाइड हो जाएगा मीन्स पोटेंशियल इसमें आर वन में डिफरेंट होगा आर टू में डिफरेंट होगा तो पोटेंशियल अगर यहाँ पर आपने सिक्स वोल्ट दिया है तो इसके लिए कुछ होगा अगर थ्री वोल्ट यहां पर गया है तो ऑब्वियसली थ्री वोल्ट यहां पर क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दोनों का सम है टोटल यहाँ बैटरी में आना चाहिए सिक्स वोल्ट आना चाहिए यहाँ फोर है तो यहाँ टू होगा यहाँ टू है तो यहाँ फोर होगा तो इस तरह से आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को क्या होता है डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है तो टोटल तो वोल्टेज जो है वो V1 वन एंड वी दोनों के सम के इक्वल टू होगा V1 के लिए क्या वैल्यू है R1 I एंड V2 के लिए R2 I और टोटल पोटेंशियल जो है वो इस इक्वेशन के इक्वल होगा ओके ये जो R है ये कॉम्बिनेशन जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका इक्वेलेंट है या टोटल रेजिस्टेंस है ओके सो तो, वी के प्लेस पे आप आर टोटल इन टू आई पुट कर सकते हैं आई 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 तीनों में कॉमन है आई विल बी कैंसल आउट सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू ओके ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है ओके okay. यहां पर मोर देन टू मोर देन थ्री कितने भी रेजिस्टेंस हो आपको सिंपली इक्वल करना है ओके और एक इम्पॉर्टेंट थिंग वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्वेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसकी जो वैल्यू है वो जो सबसे हायर रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू से ज्यादा ही होगा मीन्स अगर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू टू है यहां पर यहां पर थ्री है तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस जो होगा टोटल रेजिस्टेंस होगा वो थ्री से ज्यादा ही होगा ओके okay. थ्री से ज्यादा क्यों होगा कि अगर आप अगर यहाँ आर टोटल करें तो आर वन प्लस आर टू होता है ओके एंड यहाँ टू प्लस थ्री इट इज इक्वल टू फाइव एंड फाइव इज मोर देन थ्री ओके तो सीरीज में जो बड़ी वैल्यू है जो बड़ा न्यूमेरिकल है उससे ज्यादा होगा टोटल रजिस्टेंस ओके ये बात क्लियर है ये बात न्यूमेरिकल्स में भी यूज होना है नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन में सफिशियंट है ये सब इंफॉर्मेशन अब हम बात करते हैं पैरल कॉम्बिनेशन की पैरल कॉम्बिनेशन तो पैरल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का इस तरह से अरेंजमेंट होता है देखिए पैरल कॉम्बिनेशन ओके पैरल कॉम्बिनेशन में आपने रेजिस्टेंस को इस तरह से अरेंज किया है ओके okay, इस ये आपके थ्री रेजिस्टेंस हम सपोज करते हैं ओके okay, इस तरह से कनेक्टेड हैं और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है फिर सेल लगा हुआ है ओके दिस इज आर वन आर टू एंड आर थ्री थ्री रजिस्टेंसेस आर हियर यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है करंट कहाँ से इंटर होगा पॉजिटिव टर्मिनल से ओके और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से होके आई करंट गया ओके यहां पर डिवाइड हो गया इस क्योंकि पाथ चेंज हो गए तो डिवाइड हो गए यहाँ आई वन आई टू एंड आई थ्री बट अगेन इस पॉइंट पर तीनों करंट आकर मिल गए ओके तो करंट की जो वैल्यू है वो फाइनली आपको आई मिली और आई करंट जितना चला था बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट आ गया तो ये अपना सर्किट कंप्लीट हो गया अब पैरल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है ये टू थिंग्स दोनों कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट है यहां देखो जो पोटेंशियल आपने पॉजिटिव टर्मिनल इस पॉइंट पर लिया है वही पोटेंशियल टर्मिनल जो है वो इस पॉइंट पे है मीन्स हायर पोटेंशियल पर है ये पॉइंट और ये नेगेटिव है मीन्स लोअर पोटेंशियल पर है तो ये जो R1 है ये भी इन पॉइंट्स के बीच में है R2 भी इन पॉइंट्स के बीच में ओके हायर पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल एंड R3 थ्री भी मींस तीनों जो है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है तो पोटेंशियल यहाँ पर सेम होगा फॉर थ्री रजिस्टर्स ओके बट डिफरेंट क्या होगा आई करंट विल बी डिफरेंट ओके सो करंट डिफरेंट है मीन्स करंट क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो टोटल करंट क्या होगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री ओके यहां पर अगर ओम स्लो अप्लाई करें तो so आई की वैल्यू है ओम स्लो के अकॉर्डिंग क्या है ओम स्लो वापस से याद दिला देते हैं ओम स्लो वी इज इक्वल टू आर आई बट यहां पर अगर आप आई की बात करें तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर और आर जो है वो इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं हम तो आर को टोटल कर दो ओके okay, आई के प्लेस पे आप क्या रख दो सॉरी वी बाई आर टोटल ओके बट आई वन के लिए क्या होगा ये वी तो सेम है आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी आर वन हो जाएगा एंड आर टू एंड हियर आर थ्री ओके वी कॉमन है वी कैंसल आउट हो जाएगा सो वन बाई आर टोटल इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री मीन्स पैरल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से आपके निकाले जा सकते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरल में लोएस्ट होंगे ओके okay, लोएस्ट कैसे होंगे मीन्स uh, जो मिनिमम वैल्यू है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वो आपको पैरल कॉम्बिनेशन में मिलेगी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की जो टोटल वैल्यू है वो हायर वैल्यू मिलती है बट पैरल कॉम्बिनेशन में लोअर वैल्यू मिलेगी अगर आपके पास इस तरह से टू रजिस्टेंसेस है ओके okay, ये थ्री है ये सिक्स ओम का रेजिस्टेंस है ओके okay, और ये इस तरह से बैटरी से कनेक्टेड है तो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालना है तो इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस वन आ, आर टू आर वन वन बाई आर वन मीन्स वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स अब यहां से आप एलसीएम लेंगे तो सिक्स टू प्लस वन ओके दिस इज थ्री बाय सिक्स एंड वन बाई टू सो तो आर इक्वीवेलेंट क्या हुआ टू ओके टू ओम पैरल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो लोएस्ट वैल्यू है मीन थ्री ओम है यहां पर लोएस्ट वैल्यू ओके लोएस्ट वैल्यू से भी लोअर वैल्यू आई इवेलेंट रेजिस्टेंस ओके सो ये हुए पैरल कॉम्बिनेशन अब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं इसे जूल्स लो भी बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी सिंपल सा एक टॉपिक है सिंपली uh, अगर बात करें तो आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में देखा होगा कि अगर आप ज्यादा देर तक कोई भी अप्लायंस यूज करें तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स वहां पर उस कंडक्टर में फ्लो करना स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का अंदर का जो कुलीजन uh, होता है उसके कारण से वो अप्लायंस वो कंडक्टर गर्म होने लगता है ओके सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीटिंग हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसी को बोलते हैं आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हमने V इज इक्वस टू क्या पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्व टू W बाई क्यू पढ़ा है ओके okay, ये हमने ज, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है तो यहां से टोटल जो वर्क डन है दैट इज इक्वस टू वी इन टू क्यू ये जो टोटल वर्क डन है इट इज इक्वल टू हीट इफेक्ट और वी कैन से हीट एनर्जी इसे आप एच से भी डिनोट कर सकते हैं एच इज इक्वल टू वी इन क्यू अब आपने ओम स्लो पढ़ा है ओम स्लो इज इक्वल टू क्या होता है वी इज इक्वल टू आर आई एंड क्यू जो है वो आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में या फिर सॉरी इलेक्ट्रिक करंट में स्टडी किया एज इक्वल टू क्यू बाई टी सो यहां से क्यू इज इक्वल टू आई टी v एंड q की जो वैल्यूज है अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें सो so v एज r i एंड q एज i t सो ये क्या हुआ आपके पास फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर टी इसका मतलब क्या होता है कि जो हीट एनर्जी है या हीटिंग इफेक्ट में करंट uh, हीट जो है वो डिपेंड करती है आई स्क्वेयर पर डिपेंड करती है आर पर रेजिस्टेंस पर एंड मीन्स आप अगर इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट सप्लाई किसी भी कंडक्टर में फास्ट करेंगे या फिर मोर करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट या हीट एनर्जी भी मोर प्रोड्यूस होगी ओके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इस तरह से मोर करने पर हीट इफेक्ट भी या हीट एनर्जी भी मोर प्रोड्यूस होगी ओके तो इस तरह से हीट एनर्जी मिली अब एक छोटा सा टॉपिक लास्ट सा है पावर पावर क्या होता है तो एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी ओके मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है किसी भी कंडक्टर में ओके okay, इसे आप कैपिटल पी से डिनोट करते पावर को कैपिटल पी से एंड दिस इज इक्वल्स टू एच बाई टी ओके हीट एनर्जी पर टाइम पर यूनिट टाइम हीट का फॉर्मूला क्या है यहां से आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी टी से टी कैंसिल तो आई ओके ये हुआ आपका पावर का फॉर्मूला अगर आप आर के प्लेस पे v बाई आई रखें ओके यहाँ पर आर के प्लेस पे आई स्क्वेयर इंटू आरके प्लेस पे v बाई आई रखें तो आपके पास पावर का एक जो फ्रेंडली फॉर्मूला है p इज इक्वल्स टू वी आई या फिर वी आई पी इससे शॉर्ट में वी आई पी से आप याद रख सकते हैं रिमेम्बर कर सकते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पावर का और पावर का यूनिट क्या होता है ओके हीट यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट के लिए हीट एनर्जी एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल ओके okay. एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल जो वर्क का यूनिट होता है वही एनर्जी का यूनिट होता है बस बट पावर का यूनिट क्या होता है वॉट ओके okay. वॉट इसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं एंड इस ये आ, ये जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ओके इट इज नॉट डिपेंड इन द डायरेक्शन ओनली ऑन मैग्नेट्यूड ओके तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वो हुए अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिपेंडेंट कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे ओके सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच